सर्दी अपने चरम पर है। पूरी दिल्ली घने कोहरे की चादर में लिपटी हुई है, लेकिन इतनी सर्दी में भी मदर डेयरी जैसी संस्थाएं कभी काम करना बंद नहीं करती। मदर डेयरी सिर्फ आपके पड़ोस की किराना दुकान पर दूध पहुंचाने के लिए नहीं आती है, बल्कि इसके सैकड़ों ट्रक एक जंगल की ओर भी जाते हैं, जिनके जरिए दिल्ली के असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहने वाले बंदरों को खाना पहुंचाया जाता है। देखिए हमारे सहयोगी चैनल इंडियन मास्टरमाइंड के संपादक शरद गुप्ता की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बंदरों का ये समूह बेचैन है, गुस्से में है और भूखा भी है। वो लड़ रहे हैं, शैडो बॉक्सिंग कर रहे हैं और कभी कभी एक दूसरे पर वार भी करने लगते हैं। उनकी चीखें हर मिनट बढ़ती जा रही हैं। यहाँ रहने वाले बंदर कई समूहों में बटे हुए हैं। वे जंगल के अंदर बने छोटे बस शेल्टर जैसे ढांचे के ऊपर बैठे हैं। सैकड़ों अन्य बंदर इधर उधर घूम रहे हैं या आसपास के पेड़ों की शाखाओं पर लटक रहे हैं। मदर डेयरी के ट्रक धीरे धीरे सेंचुरी के अंदर पहुंचते हैं। ये ट्रक पपीता, केला, अमरूद, गाजर, टमाटर, शकरकंद, मटर और कई अन्य फलों और सब्जियों के सैकड़ों टोकरों से भरे हुए हैं। जैसे ही ये ट्रक्स 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले सेंचुरी के अंदर आते हैं, वहां के सारे बंदर ऐसा शोर मचाते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं होता। एक एक कर ट्रक जंगलों के अंदर 14 जगहों पर रुकता है और फिर कर्मचारी ट्रक का पिछला गेट खोल देते हैं। इस दौरान बंदर उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। कर्मचारी बड़ी संख्या में सब्जियों और फलों की ट्रे उतारते हैं और शेल्टरों के ऊपर फेंक देते हैं और फिर बंदर ट्रक के ऊपर दौड़ते हैं, सारे फलों और सब्जियों को छीनने की कोशिश में लग जाते हैं। ये एक साथ लहरों की तरह खाने पर टूट पड़ते हैं। एक समूह पूरे के पूरे खाने पर अपना हक जमा कर अन्य सभी समूहों को डराने की कोशिश करता है। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि लालच अंततः डर पर विजय पा लेता है। धीरे धीरे दूसरा समूह साहस जुटाता है और उस समूह पर हमला करता है जो खाने पर पूरा हक खुद का मान रहे हैं और किसी को नहीं खाने दे रहे हैं। फिर बाद में पीछे हट जाते हैं, लेकिन लड़ाई के बिना नहीं। अफरा तफरी के बीच कुछ बंदर छत से गिर जाते हैं। निश्चिंत होकर ये फिर उठते हैं और अपने हक के खाने के लिए पहुंचते हैं और प्रयास करते रहते हैं। आसपास के इलाकों में कुछ गाय भी हैं जो मुफ्त में शानदार खाना खाने आ जाती हैं। लेकिन आपके मन में ये सवाल होगा कि बंदरों को आखिर खाना पहुंचा कौन रहा है? ये दिल्ली सरकार की कोशिश है। सरकार सिर्फ बंदरों को खाना क्यों खिला रही है? इस पूरी प्रक्रिया पर कितना खर्च हो रहा है और केवल बंदर ही क्यों, जब ये जंगल नील गाय, चित्तीदार हिरण, लकड़बग्गा और तेंदुए जैसी विभिन्न जानवरों की प्रजातियों का घर है। पक्षी जी, ये बंदरों को यहाँ खाना खिलाने का क्या कंसेप्ट है? देखिए, दिल्ली में बंदरों की संख्या को किस प्रकार से वन क्षेत्र में लाया जाए, इस पर एक हाई कोर्ट का निर्णय हुआ था, जिसमें ये तय किया गया था कि विभिन्न सिविक एजेंसियां बंदरों को पकड़कर असोला भाटी में लेकर आएंगे और उसके उनको खाना खिलाने की जिम्मेदारी जो है वो वन विभाग को सौंपी गई थी। तो लगभग हमारे असोला भाटी सेंचुरी में 2013 में एक सेंसस हुआ था, जिसके थ्रू हम लोगों ने पाया कि लगभग उस समय 30,000 उसकी पॉपुलेशन थी बंदरों की। तो अभी तक कोई उसके बाद में सेंसस वगैरह नहीं हुआ, तो मैं अनुमानित बता सकता हूँ कि लगभग 40,000 से 50,000 अगर आप माने तो यहाँ पर बंदर हैं। तो इनके लिए आखिर क्या इंतजाम है? दरअसल वन विभाग दिल्ली को बंदरों के आतंक से बचाने की कोशिश कर रहा है। बंदर लोगों के घरों से खाना छीन रहे हैं। नई दिल्ली के क्षेत्रों में खासकर लुटियन जोन में बंदरों का काटना कोई असामान्य घटना नहीं है, जो सभी वीआईपी मंत्रियों, सांसदों और नौकरशाहों का घर है। शीर्ष वीवीआईपी क्षेत्रों जैसे राष्ट्रपति भवन, संसद,
प्रधानमंत्री कार्यालय वाले साउथ ब्लॉक और गृह और वित्त मंत्रालयों वाले नॉर्थ ब्लॉक ने बंदरों को डराने के लिए लंगूर सहित कई उपाय तैनात किए हैं। दूसरा, वहाँ से जो बंदरों का आतंक है, न्यू दिल्ली क्षेत्र हुआ या ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बंदर बहुत अधिक संख्या में हैं और ह्यूमन पॉपुलेशन को, अभी मेरे को एक संदर्भ में आया कि एक बंदर ने लगभग 40 लोगों को घायल किया, तो इस प्रकार के जो वो होते हैं, घटनाएं होती हैं, वो एक प्रकार से रोकने के लिए हम लोग यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और लगभग 40,000 रुपये पर डे इसका खर्चा आता है। असोला भाटी में लगभग 25,000 बंदरों को अब तक मध्य दिल्ली क्षेत्र से भेजा गया है। ये बात और है कि उनमें से आधे सुंदर नगरी, छतरपुर आदि आसपास की बस्तियों में वापस चले गए हैं। वन विभाग लगभग 50,000 रुपए हर दिन असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बंदरों को खाना खिलाने पर खर्च करता है। ये प्रतिवर्ष 1,83,00,000 रुपए हो जाता है। हालांकि मदर डेयरी के फलों और सब्जियों पर बंदरों की निर्भरता को कम करने के लिए उपाय ढूंढा जा रहा है। मदर डेयरी असोला भाटी जंगलों के अंदर फलों के पेड़ लगा रही है, जो बड़े होने पर बंदरों और वहां रहने वाले अन्य जानवरों को खिलाने के लिए पर्याप्त फल पैदा करेंगे। पर हम लोगों ने वहां पर जो फलदार वृक्षों को लगाने का एक मुहिम चालू किया है और इसी तारतम्य में हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने यह भी बोला है कि इस वर्ष, आगामी वर्ष में हम लोग जो है फलदार सीड बैंक, सीड बॉल्स, ये सब हम लोग वहाँ पर करेंगे। तो अगर वन विभाग बंदरों को जंगल में खाना न खिलाए तो वापस ये दिल्ली के शहरी क्षेत्रों में जाएंगे और लोगों को परेशान करेंगे, काटेंगे, उनकी चीज़ें छीन के भागेंगे। तो वन विभाग का एक ये बहुत बड़ा योगदान दिल्ली के नागरिकों की सुरक्षा के लिए है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुनीश जी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।